Challenge: Energy Asana. One thing which grows every year: tiredness. So let's decode the secret of high energy. Let's see this in a special episode of Energy Asana. आप सबका हमारे एक ब्रांड न्यू एपिसोड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे समक्ष डॉक्टर स्वतंत्र जैन जी आए हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। नमस्कार। आज हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है? हमारे योग में जो दो आसन हैं, जिनके द्वारा आप चेहरे के मसल्स को और गले के मसल्स को टोन अप करते हो, उनको स्वस्थ बनाते हो, साथ ही पेट और उससे नीचे के जॉइंट्स को आप समर्थ बनाते हो, ताकि आपकी जो शरीर की नेचुरल एनर्जी है वो पूरे शरीर में बराबर प्रवाहित हो। अक्सर क्या होता है लोगों को कि वो ये जॉइंट्स को बराबर काम में नहीं लेते हैं। होता ये है कि शरीर का जो ब्लड फ्लो है उनका नीचे जाना ही कम होता जाता है, और उसके कारण कई तरह की बीमारियाँ लगती है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम होती है, उनको शारीरिक के साथ साथ फिर मेंटल टेंशन भी बढ़ने लगता है, क्योंकि उनका पेट बराबर साफ नहीं होगा, उनके जो जीवन शक्ति और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी बढ़ने लगती है उनकी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि भाई एनर्जी आसन करेंगे तो आपको ऊपर से नीचे तक आपके शरीर में एनर्जी का प्रवाह पूरी तरह से होगा, और फिर आप हमेशा एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। एनर्जी आसन में एक होता है सिंहासन। इसके द्वारा आप जो है अपनी मुद्रा को सिंह के आकार में लाकर घुटनों के बल बैठ के, या सुखासन में बैठ के, या पद्मासन में बैठ के अपने मुंह को खोलकर शेर की भांति दहाड़ते हैं। ये जो सिंहासन की प्रक्रिया है, आपके चेहरे की सभी तरह की जो मसल हैं वो टोन अप होती हैं, रिंकल्स आने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, आप जो है शरीर से चेहरे से युवा प्रतीत होने लगते हैं, आपकी आवाज साफ होती है, और मन मस्तिष्क पर इसका बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता है, जिससे आप सही सोच और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। फिर दूसरा आता है जो नीचे बैठ के आपके जॉइंट्स खोलना पड़ते हैं। अगर आप पद्मासन का नाम सुना हो तो वो पद्मासन लोगों से तो जमीन पे बैठते भी नहीं बनता है, इसके कारण ही प्रॉब्लम है। ये सब जॉइंट्स खुले रहना चाहिए, एक्सरसाइज या आसन का प्रयोजन ही ये है, लेकिन जिसके जाम हो गए हैं जॉइंट्स, उन जाम जॉइंट्स को खोलने के लिए और जीवन का पूर्ण आनंद लेने के लिए जरूरी है कि आप जो दूसरा हमारा एनर्जी आसन है उसको करें। आप योग में इसको समझ सकते हैं, और इसमें हमें तितली के सरीखे अपने पांव के मूवमेंट्स को देना पड़ता है। अक्सर लोग जमीन पे बैठने का काम ही नहीं करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि उन्हें कूल्हे के जो जॉइंट्स होते हैं वो धीरे धीरे जाम होने लगते हैं, उसके कारण बहुत सारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तकलीफ है, इंटेस्टाइन की तकलीफ है, पेट की कई बीमारियां हैं, घुटने की बीमारियां हैं, ये सब जकड़ लेती हैं। हमारा प्रयास हमेशा ये है कि बहुत सरल तरीके से आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। तो इसके लिए आपको तितली आसन के द्वारा जो जॉइंट्स हैं आपके कूल्हे के, पाँव के, पंजे के, ये सब खोलना है और इनका उपयोग सुचारू रूप से करना है। ये आप अगर करते हैं तो एनर्जी का प्रवाह है वो सिर से लेकर पंजे तक पूरा प्रवाह होता रहेगा, आपके प्रत्येक अंग सही ढंग से काम कर सकेंगे और आप एक आनंद और प्रोत्साहित जीवन जी सकेंगे। इस एनर्जी आसन को जरूर अपनाएं और अपना कुछ वक्त जरूर इसको दें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं। सर, एक बार फिर से आपने इतना ब्यूटीफुल आज हमें ये जो चैलेंज दिया है, आर व्यूअर्स आर इन लव विद यू एंड व्हाट ऑल यू हैव गिवन टू देम। एक बार फिर से थैंक यू, एंड टू यू ऑल, स्टे यंग, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय। नमस्कार।